दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला हरिद्वार कुंभ आस्था के सैलाब में पूरी तरह से डूब चुका है। अगर आप देख रहे होंगे, माँ गंगा का पावन निर्मल धारा कल कल बहती हुई बह रही है और आह्वान कर रही है, आप सबको आमंत्रित कर रही है, कुंभ में बुला रही है। एक तरफ अगर आप माँ गंगा की दूर तक निगाह देखेंगे तो विहंगम छटा, अद्भुत छटा आपको दिखाई दे रही है। इसी तरह से आस्था में डूबा हुआ ये कुंभ भी आपको अद्भुत दिखाई देगा। हरिद्वार कुंभ इस बार 11 साल बाद लगा हुआ है, क्योंकि नक्षत्रों के ग्रहों के कारण 11 साल बाद इसे आयोजित किया गया है। इसके बाद ये 12 साल बाद लगेगा, इसलिए आप सभी लोग तैयार हो जाइए हरिद्वार कुंभ की ओर आने के लिए, इस आस्था के सैलाब में डुबकी लगाने के लिए, क्योंकि 12 साल बाद ये कुंभ फिर लगेगा। 12 साल में बहुत कुछ परिवर्तन होगा, 12 साल में परिवर्तन का एक बड़ा सैलाब होगा, आधुनिक दुनिया होगी। 12 साल में तमाम तकनीकी टेक्नोलॉजी सब कुछ बदला आपको दिखाई देगा, इसलिए अभी मौका है, अभी सब है, आइए और हरिद्वार कुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए आप बढ़ चलिए। 12 साल का वक्त होता है, आज से आप अपनी उम्र जोड़ लीजिए और उस उम्र में 12 साल प्लस कर लीजिए। 12 साल में जो उम्र आपकी प्लस हो जाएगी, यानी आप जुड़ जाएगा, ये 12 साल का उम्र जो है आपकी उम्र को बढ़ा देगा। शायद हो सकता है कि तमाम श्रद्धालुओं के दर्शन आपको ना मिले, शायद हो सकता है कि तमाम संतों के दर्शन ना मिले, शायद आपको ऐसा अद्भुत नज़ारा देखने को ना मिले, तो इसलिए आइए माँ गंगा के पावन तट पर हरिद्वार में आप सब आस्था की डुबकी लगाने के लिए चलिए, माँ गंगा के दर्शन करिए। और तमाम यहाँ पर जो दृश्य आपको दिखाई दे रहे हैं, माँ गंगा का जो नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है, लाइटों से नहाया हुआ हरिद्वार कुंभ, अद्भुत जो छटा दिखा देखने को मिल रहा है, उन सबको देखने के लिए एक बार आप सब अपने कदम बढ़ा दीजिए और माँ गंगा को नमन करिए। दोस्तों, ये कुंभ गौरव और गाथा का प्रतीक है, हमारी आस्था का प्रतीक है, हमारी सनातन संस्कृति का प्रतीक है, भारतीय परंपरा का प्रतीक है, हमारे साधु संत नागाओं की परंपरा का प्रतीक है, क्योंकि कुंभ में देश के कोने कोने से साधु संत सन्यासी नागा एकत्र होते हैं और जब वो शाही स्नान के लिए जाते हैं, उनकी पेशवाई निकलती है, तब वो अपने गौरव गाथा को बताते हैं, तब वो भारतीय संस्कृति को बताते हैं और देश और दुनिया तक यहीं से भारतीय संस्कृति जाती है कि भारतीय संस्कृति कितनी प्राचीन है। संत और सन्यासियों की परंपरा की ये भारतीय संस्कृति, रिसर्च यानी ऋषि मुनियों की ये भारतीय संस्कृति दुनिया की सबसे विराट सबसे प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। इसलिए हरिद्वार कुंभ अपनी छटा को बिखेरे हुए है, इस भारतीय संस्कृति को, गौरव गाथा को दुनिया के तमाम देश, अलग अलग देश से शोध करने के लिए आते हैं, अलग अलग विदेशों से लोग जो है इसका अध्ययन करने के लिए आते हैं। तो आइए आप सब इस गौरव गाथा की ओर बढ़िए, हरिद्वार कुंभ की ओर बढ़िए। हरिद्वार कुंभ में शाम की छटा मैं दिखा रहा हूँ, एक तरफ देखिए माँ पावन गंगा की कल कल बहती हुई धारा रोशनी से नहाई हुई विहंगम छटा बिखेर रही है, तो दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे हर की पौड़ी का वो स्थल, जब शाम को माँ गंगा की आरती होती है, हर तरफ एक ही आवाज़ आती है, हर तरफ एक ही गूंज होती है, हर हर गंगे माँ गंगे पावन गंगे, माँ गंगे की आरती विहंगम दृश्य को प्रस्तुत करती है। शाम की हर की पौड़ी का दृश्य तो और मनोरम हो जाता है, जब हर की पौड़ी चारों तरफ से लाइटों से नहा उठती है, यहाँ आने वाले श्रद्धालु, यहाँ आने वाले संत, उन्हें ऐसा प्रतीत होता है, उन्हें ऐसा महसूस होता है कि सिर्फ दुनिया में कहीं पर भी स्वर्ग है तो बस यही है, यही है, यही है, क्योंकि उस समय हर की पौड़ी की छटा देखते ही बनती है। आइए इस अविस्मरणीय पल का एक बार आप सभी लोग गवाह बनिए और जहाँ पर भी हैं, जिस स्थल पर हैं, अपने कदम बढ़ा दीजिए, कुंभ की ओर बढ़िए, हरिद्वार कुंभ, क्योंकि इसके बाद 12 साल बाद ये बड़ा और विशाल आयोजन होगा, दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला 12 साल बाद लगेगा, तो इसलिए चलिए अभी समय है, अभी मौका है, आस्था की डुबकी माँ पावन गंगा में लगाइए और इस अविस्मरणीय पल के, इस अविस्मरणीय इतिहास के आप सभी लोग साक्षी बनिए। माँ पतित पावन गंगा आप सबको बुला रही, आप सबको आह्वान कर रही, आइए आस्था की डुबकी लगाइए हरिद्वार कुंभ में। हर हर गंगे, जय माँ गंगा।